नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री श्याम कार्तिक की पावनधरा ग्राम सरखो में सामुदायिक भवन लोकार्पण समारोह में पहुंचा माननीय श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी। जांजगीर जिला के श्री श्याम कार्तिक पावनधरा ग्राम सरखो में 13 नवंबर 2022 दिन रविवार को सामुदायिक भवन का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे माननीय श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ लोकसभा जो सरखो पहुंचे और गाड़ी से उतरते ही उसे फूलमाला एवं गुलदस्ता से सभी स्वागत किया गया। फिर वह सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण यज्ञ स्थल पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर भागवत यज्ञ का शुभारंभ किया। फिर सामुदायिक भवन लोकार्पण समारोह कार्यक्रम स्थल पहुंचे और महात्मा गांधी जी के फोटो पर माल्यार्पण कर पूजा किया, जिसमें हमारे बीच मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप पहुंचे माननीय श्रीमती ज्योत्सना महंत जी सांसद कोरबा से माननीय श्रीमती कुसुम कमल साव जी कका सभापति जिला अध्यक्ष सरखो, माननीय श्रीमती शांति देवी सिंह तंवर जी अध्यक्ष पंचायत नवागढ़ और लोचन साव जी अध्यक्ष सरपंच संघ नवागढ़, सरपंच ग्राम पंचायत सरखो श्रीमती सरला सूर्यवंशी, उप सरपंच संजय कुमार राठौर, सचिव ग्राम पंचायत सरखो एवं पंचगढ़ एवं गांव के सभी लोगों एवं अगल बगल गांव से पहुंचे लोगों एवं पदाधिकारियों के बीच सामुदायिक भवन का माननीय श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी के हाथों से पूजा अर्चना कर कैंची से रिबन काट कर लोकार्पण उद्घाटन किया गया और दो नग मीना हॉलर मशीन एवं स्कूल के छात्राएं को साइकिल का भी वितरण किया गया। फिर किसानों की समस्याओं के प्रति चर्चा किया गया और फिर श्री कुसुम कमल साव जी कका के नाम से सभी लोग जानते हैं, जो हर समय लोगों एवं जनता की सेवा एवं विकास में लगा रहता है। उसके पिताजी लोचन साव जी 30 वर्षों से गांव के प्रति विकास एवं सेवा करते आ रहे हैं। आज वह अपने घर में सभी के लिए भोजन का भी व्यवस्था किया गया था। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद प्रधान की रिपोर्ट। सरखो में आज 6.5 लाख रुपए की जो भूमि पूजन हुआ है, उसमें हमारे सरपंचों का सरपंच श्री लोचन साव जी और उनके जो बड़ी बहू है का कुसुम लता साव जी और हमारे एक जांजगीर जिला के किसान अध्यक्ष कमल जला हमन कका कथन और कका मिले हमन कका कथन और कका के मार्गदर्शन में ये सरखो गांव बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये चरणदास जी माननीय महोदय के हाथ से कार्यक्रम शुभारम्भ होकर क्षेत्र के आम जनता बड़े खुश हैं और बधाई देते चरणदास जिला के लोचन साहब के मार्गदर्शन में ये सरखो गाँव ला अग्रणी कर। आज के कार्यक्रम माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास कका जी का आगमन हमारे गांव में हुआ था, हुआ है और 6,50,000 का भवन का लोकार्पण आज उनके हाथों से हुआ है। उसी प्रोग्राम आज सब हमारे गांव सरखो में हमारे घर में उनका खाना पीना था और हमारे गांव में नौधा का भी एक कार्यक्रम था, वहाँ भी जाके पूजा पाठ किए हैं। क्षेत्र के सब हमारे परिचित हमारे सभी कांग्रेस जने आए थे, उसी का प्रोग्राम था हमारे गांव सरखो में। ग्राम पंचायत के एसओसी सरपंच माननीय लोचन साहब जी के बुलावे में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी आए थे, जिसमें हमारे सरपंचों के सरपंच श्री लोचन साहू ने अपने गांव के लिए घोषणा सड़क पानी बिजली और क्षेत्र के जन समस्या को लेकर माननीय चरणदास महंत जी से अपने घर में मुलाकात किए हैं।